मलिक स्टॉक जहां पर होती है खबरें खबरों के चलते देखने को मिलता है, एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि करना क्या चाहिए, खरीदें बेचें बने रहें एवरेज करें, क्या रणनीति होनी चाहिए। और आज हम ऐसे शेयरों को चुनने की कोशिश करेंगे जिन पर आज तो कोई खबर नहीं है लेकिन बीते हफ्ते कहीं ना कहीं उन पर काफ़ी सारी हलचल देखने को मिली है, आप चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोशिश करते हैं पॉजिटिव शेयरों को लेने की जिससे कि कम से कम आप जो है लगातार गिरावट की खबरें खबरें सुनते हुए भी बोर हो गए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली कंपनी के साथ और जिस पर हम काफ़ी सारी बात कर भी चुके हैं पहले भी, सुजलॉन को लेकर के आते हैं। सुजलॉन के शेयर पर जो है लगातार 5 दिन टूटने के बाद गुरुवार को हमने देखा कि एक शानदार रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। 5 दिन में शेयर 22% तक टूटता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से हमने देखा कि ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ जो है वो शेयर के अंदर गुरुवार को खरीदारी आती हुई दिखाई दी है और ये जो वॉल्यूम देखने को मिला है शेयर में वो 20 दिन के औसत वॉल्यूम से कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें औसतन करीब 1 करोड़ शेयरों के आसपास का होता है और सुबह के करीब 10-11 बजे तक ही 3 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला था। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शायद एक बार ज़रा दिखा देते हैं सुजलॉन के ऊपर कि आखिर में क्या वहाँ पर स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, तो ताकि आपको सुजलॉन को लेकर के मन में जो भी आशंकाएँ हैं वो कम से कम दूर होती हुई दिखाई दें। यहाँ पर 2 तिमाही के बीच में अगर हम कंपनी के बीच में ये देखें कि क्या स्थिति देखने को मिली, तो एफआईएच ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जून तिमाही में करीब 21.53% थी जो कि सितंबर तिमाही आते आते यहाँ पर हमने देखा कि 2.25% के आसपास एफआईएच की हिस्सेदारी बढ़ी है। डीआईएच ने अपना हिस्सा कम किया है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की हुई है, ये 9.16 से घट करके 9.02% हुई है। पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई है, 56.03% से घट करके 54.02% रही है। प्रमोटर की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट बराबर ही थी, पहले भी 13.26% थी और सितंबर तिमाही में भी 13.25% ही रहती हुई दिखाई दिया है। तो एफआईएस की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ी है, काफ़ी सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं अरुण जी, लेकिन ये सेगमेंट चूँकि हम अलग से अपलोड करते हैं तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सुजलॉन को लेकर के अभी क्या करना चाहिए उन्हें जिनके पोर्टफोलियो में है लेकिन लॉस में है, वो लोग जो खरीदना चाह रहे हैं और थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से भी और छोटी अवधि या मीडियम टर्म के लिहाज से भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। विपुल जी, मैंने कुछ समय पहले एक वर्ड यूज किया था कि ये एक मोमेंटम स्टॉक में आता है और इसी के साथ में एक मैंने आर पावर का भी नाम दिया था। तो इसके अंदर में अपने बाजार में जो छोटे निवेशक हैं वो इसमें इंट्राडे इस टाइप के स्टॉक में बहुत ज्यादा खेलते हैं और क्योंकि इसमें इंट्राडे बहुत शार्प मूवमेंट होता है वो ऐसे शेयरों में बड़ी क्वांटिटी की मात्रा में ट्रेड करते हैं और छोटे जो बोलते ना एक दिन में 50,000 से लाख रुपए की हार जीत एक काउंटर में हो जाती है। पोर्टफोलियो का स्टॉक ये आप अवश्य रख सकते हो इस भाव में, ट्रेडिंग के लिए आपको उस दिन बाजार का मूड कैसा दिख रहा है, पिछले दिन अमेरिका का बाजार कैसा रहा और अब भारतीय बाजार चालू होने के पहले एशिया में क्या हो रहा है, अगर ये सब देखकर आप एक व्यू बना सकते हो भारत में आज बाजार में क्या होगा तो ऐसे शेयरों में आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है तो ऐसे शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग करने में बहुत ही नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और अगर साल डेढ़ साल का नजरिया हो तो क्या इन लेवल्स पे पोर्टफोलियो में शामिल करने योग्य है शेयर ये नतीजों को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका व्यू लंबा है और आप पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। चलिए तो ये राय हो गई सुजलॉन को लेकर के, आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आई है। जोमैटो भी जो है लगातार चर्चा में है, खासतौर से जब से स्विगी का आईपीओ आने की बात हुई है लगातार कंपैरिजन के माध्यम से या और कई सारी खबरों के चलते ये लगातार चर्चा में रहा है। अब जो है यहाँ पर खबर ये आई है कि निफ्टी में 50 के अंदर ये जो है इसके शामिल होने की प्रबल संभावनाएं हैं जोमैटो की। नुआमा ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है उसके मुताबिक फरवरी 2025 के अंदर जोमैटो को निफ्टी 50 में जगह मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो, हालांकि अगर ही है, अगर ऐसा होता है कि ये इसको अगर शामिल कर लिया जाता है रीबैलेंसिंग फिर से रिशफल होता है निफ्टी के अंदर तो उसमें जो है 5579 करोड़ के आसपास का निवेश जो है
वो जो है आ सकता है जोमैटो के अंदर। और आपको बता दें कि ये अभी जो हाल फिलहाल में एफएंडो के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, 45 शेयरों को शामिल किया गया है, उसमें जोमैटो भी जो है वो शामिल किया गया है। और गुरुवार को हमने देखा करीब 4% से ज़्यादा की बढ़त जोमैटो के शेयर में देखने को मिली है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, आपको बता दें कि निफ्टी की बात चल रही है उसमें आयशर मोटर और BPCL के एग्जिट की भी बात हो रही है, तो उसमें दो शेयरों को लेकर के बातचीत हो रही है। तो अभी जोमैटो की बात कर लेते हैं, इसके बाद अगले शेयर की बात करेंगे। सर, जोमैटो 269 का लेवल, बहुत लोगों को जब स्विगी का अभी IPO आया, लोगों को लगा कि जो वैल्यूएशन को देखते हुए जोमैटो में लोगों ने काफ़ी पोजीशन बनाई, उस समय हम देख रहे थे काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा था। और अब दो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, एक तो इसको एफेंडो में शामिल हो गया है और दूसरा फरवरी के अंदर ये उम्मीद जताई जा रही है कि निफ्टी 50 के अंदर ये शामिल किया जा सकता है। इस तरह की अटकलें, इस तरह की संभावनाएँ हैं। आपकी टिप्पणी जोमैटो पर करंट लेवल के भाव को देखते हुए कैसे देख रहे हैं आप इसे? विपुल जी, जो ये जोमैटो एफेंडो में शामिल हो गया है, पहले सिर्फ वो खबर ले लेते हैं, इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम कैश मार्केट में और बढ़ेगा, ये शेयर और ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इसका एफेंडो का लॉट लेकर सौदा करेंगे, जो छोटे ट्रेडर हैं वो इसमें कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो बेशक काउंटर वॉलेटाइल ज्यादा रहेगा, इसके अंदर में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, और क्योंकि आपको अपनी पोजीशन शाम को लिक्विडेट करके जाने की दरकार नहीं है, इसमें वॉलेटिलिटी और बढ़ने की संभावना है। अब आ जाइए जो दूसरी पार्ट न्यूज की थी कि शायद रीबैलेंसिंग में फरवरी में ये निफ्टी में आ जाता है, जब तक ये इवेंट का स्पष्टीकरण नहीं होता, ये स्पेक्यूलेटिव को लेकर बाजार में इसमें एक्टिविटी होती रहेगी। मान लीजिए फरवरी में ये शामिल हो जाता है या नहीं होता, उसके बाद में इसमें एक्टिविटी एक बार के लिए कुछ न कुछ कम होगी, क्योंकि जिसने भी एक्सपेक्टेशन पे इसमें पोजीशन बनाई है वो एक बार लिक्विडेट करेगा। तीसरी और आखिरी चीज इसके बारे में ये कहूंगा, क्योंकि ये एफएनओ में आ चुका है, निफ्टी 50 में आने की बात चल रही है, फरवरी में नहीं आता तो उसके बाद की जो रीबैलेंसिंग है उसमें आ जाएगा, उसकी भी संभावना शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज लेकर इस काउंटर को काफी इसमें आने वाले समय में एक्टिविटी रहेगी, और क्योंकि जोमैटो का एक छोटा भाई इस सप्ताह में लिस्ट हुआ है, ये दोनों का कंपैरिजन हमेशा बाजार करता रहेगा। ठीक सर, तो अभी करें क्या सर, क्या पोर्टफोलियो में पड़ा है तो बने रहने दें? पोर्टफोलियो में है तो बने रहने दीजिए, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हो तो आप ट्रेडिंग बरकरार रखिए, ये ध्यान में रखिए कि क्योंकि ये फ्यूचर में आया है या आने वाला है 29 तारीख से, इसकी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है सर। चलिए, और इसी तरह की कुछ एक खबरें जो है वो जियो फाइनेंस को लेकर के भी हैं, जो खबरें अभी हमने जोमैटो को लेकर के आपको अपडेट दी है। जियो फाइनेंशियल को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि निफ्टी 50 में शामिल हो सकता है, इस पर जो है वो GM फाइनेंशियल की तरफ से बातें कही गई हैं कि इसकी एंट्री जो है वो काफ़ी हद तक संभावित है, और अगर ये एंट्री होती है तो करीब करीब 37.2 करोड़ डॉलर के आसपास का इसमें फ्रेश निवेश जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है शेयर के अंदर। और कल हमने देखा काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, और यहाँ पर भी वही खबर थी कि इसको भी जो है वायदा बाज़ार में एफेंडो के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। जोमैटो के बाद क्या यही स्ट्रेटजी आप जियो फाइनेंस पर भी रखेंगे, और जियो फाइनेंस का फ्यूचर कैसा दिखाई देता है? बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बहुत शेयर जिन्होंने जैसे इन्फोसिस हो, रिलायंस हो, जिनके बारे में आज कई कई बार एनालिसिस होता है कि उस समय अगर आपने 1,000 रुपये लगाए होते तो आज कितने होते। क्या जियो फाइनेंस ऐसा शेयर है कि जो आगे चल करके मल्टीबैगर साबित हो सकता है? बहुत लोगों को इस तरह के प्रयास में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रही है, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर जियो फाइनेंस को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? पहली चीज जो मैंने जोमैटो के लिए कहा वो सभी चीज जियो फाइनेंस के लिए भी लागू होती है, क्योंकि ये
F&O में आ चुका है, उम्मीद जताई जा रही है कि निफ्टी 50 में भी आ सकता है, तो वही टाइप की जो कहते हैं स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी जारी रहेगी। आपने जो आखिरी सवाल पूछा कि क्या ये इंफोसिस की तरह इसमें भी रिटर्न मिल सकते हैं, आपके दर्शकों को आज मैं एक छोटी सी कमेंट करना चाहता हूं इंफोसिस के बारे में। मुझे पता नहीं है कितने लोग शेयर बाजार में मौजूद थे जब इंफोसिस की इश्यू आई थी, लेकिन इंफोसिस की इश्यू सब्सक्राइब नहीं हुई थी, ये इश्यू डिवॉल्व हो गई थी, और जिसे कहते हैं बड़े बड़े निवेशकों को पकड़ कर इंफोसिस के बारे में समझा कर शेयर दिलाए गए थे जिससे कि इश्यू पूरी भरे, और उसके बाद से जो शेयर चला है वो इतिहास है। लेकिन ये मेरे ख्याल से कई लोगों को पता नहीं होगा कि इंफोसिस की इश्यू भरी नहीं थी जब उसका आईपीओ आया था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, और ये बात मेरे एक पूर्व बॉस थे, उन्होंने मुझे बताई थी, तो इसलिए मुझे पता है कि तब उन्होंने बताया था कि उनको भी ये कहा गया, उन्होंने भी जो है उस समय जो है आईपीओ में शेयर उनको मिले थे, और कह रहे थे कि पूरी तरीके से लोग फेल बता रहे थे इस आईपीओ को लेकर के, और कोई ख़रीदने को राजी नहीं था। तब बताया गया काफ़ी बड़ी मुश्किल से जो है किस तरीके से इसको जो है इसके आईपीओ को सक्सेसफुल किया गया आखिर में जाकर के, और अपने आप में इतिहास है इंफोसिस। तो सर वही टिप्पणी है, वही बात है सर, क्या इसके अंदर वो दम है क्या सर? सर जियो का जो बिजनेस मॉडल है, भारतवर्ष में मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा एनबीएफसी है, सभी को पता है कि जब डिमांड आती है तो बिना बैंक के बिना एनबीएफसी के काम नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से बहुत प्रॉमिसिंग है। जहां तक रिलायंस समूह की बात करें तो वो अब अपने जो कंपनी की स्थिति है या जो कंपनी की स्ट्रेटजी है वो कई नए एरियाज में एंटर कर रहे हैं, और जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से आने वाले 6 से 12 महीने में शायद कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जी जो रिलायंस समूह शामिल नहीं होगी, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लंबी नजरिया का एक शेयर है, आप उसमें अवश्य निवेशित रहिए लंबे अवसर के लिए, लंबी अवधि के लिए बिल्कुल। तो ये बात यहाँ पर जियो फाइनेंस को लेकर के निकल करके आती हुई, तो बहुत लोगों के सवाल थे लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, तो आप उम्मीद करते हैं कि एक एक करके आप लोगों को तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे होंगे। अगली कंपनी लेकर के आइए, जरा NTPC पे बात कर लेते हैं, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, और जो है अब इसकी सब्सिडरी कंपनी जो है उसका आईपीओ जो है वो आने वाला है, अगले हफ्ते आने वाला है, प्राइस बैंड तय हो चुका है, प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, आईपीओ के ज़रिए करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 102 से 108 रुपए का इसका प्राइस बैंड रखा गया है, और ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा, और 19 तारीख यानी मंगलवार से ये आईपीओ जो है वो खुलता हुआ दिखाई देगा। आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं अप्लाई करना है वो अभी थोड़ी देर में वाक के आईपीओ है सेगमेंट में आपको बताएंगे, लेकिन NTPC में क्या करना है वो आपको अभी बता देते हैं। NTPC सर क्या सलाह रहेगी NTPC को लेकर के, और जब आईपीओ की का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से हमने देखा कि थोड़ा सा रिजिलेंस तो दिखाया इसने, जिस तरीके से बाजार तेजी के साथ टूटा, इसके सेक्टर की बाकी कंपनियां टूटी, इसमें वैसी तेज गिरावट नहीं रही, लेकिन चूंकि बाजार ही टूटा हुआ था तो दबाव देखने को मिला है। NTPC क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, NTPC में अभी क्या करना चाहिए, 372-373 के आसपास क्या इसकी वैल्यूएशन ऐसी है कि इसमें फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है, NTPC पे आपकी राय? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि NTPC मौजूदा लेवल पर एक अच्छी कंपनी है, इसका प्रदर्शन अच्छा है, और ये जो वोलेटिलिटी पिछले 2-3 दिन में देखी गई ये शेयर के लिए उसे अट्रैक्टिव करती है। अब आ जाइए जो NTPC ग्रीन की आप बात कर रहे हैं,
एनटीपीसी ग्रीन की एनटीपीसी ग्रीन पे सर हम वाह के आईपीओ में ही बात करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं कि जी। एनटीपीसी ग्रीन की जो इश्यू आ रही है उसकी मार्केट कैप एट लिस्टिंग प्राइस 91,000 करोड़ रुपए होगी। अगर आप उसकी वैल्यू एनटीपीसी में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ 12% डाइवेस्ट कर रही है, एनटीपीसी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे आ जाती है। तो इसमें मौजूदा भाव पर निवेश करने में मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ फायदा अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल, तो एनटीपीसी में अभी अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अगर आप करंट भाव पे भी निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प जो है ये एनटीपीसी आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और ये जरा पीएफसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पीएफसी एक ऐसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, क्यूटी दूसरी तिमाही के जो नतीजे रहे थे मेरे ख्याल से फ्राइडे लास्ट टू लास्ट फ्राइडे आए थे या मंडे को आए थे, उसके बाद से तमाम ब्रोकरेज फर्म से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य को बढ़ाया है। ये लास्ट वीक की एक्टिविटी है। सीएलएसए ने इस पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इसका टारगेट 610 रुपये कर दिया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी बर्नस्टेन ने जो है आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी थी और इन्होंने भी 620 का ही टारगेट यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए थे। तो यूबीएस ने बाय रेटिंग के साथ 670 रुपये तक के टारगेट दिए थे। तो बहुत सारे जो है ब्रोकरेज हाउसेज जो इंटरनेशनल हैं वो बुलिश दिखाई दिए थे, और इस साल इस ईयर ने करीब पिछले 6 महीने में 16%, एक साल में 57% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि 1 महीने में 4-4.5% का नेगेटिव रिटर्न भी यहाँ पर देखने को मिला है। सर आप क्या सलाह देंगे पावर फाइनेंस को लेकर के, और यहाँ पर क्या करना चाहिए? 455 के आसपास चल रहा है, तमाम ब्रोकरेज फर्म से 670 तक के टारगेट दिए हैं, आप सहमत हैं उनसे या असहमत हैं? विपुल जी, मेरे ख्याल से जब से शो शुरू हुआ है अपन कम से कम 30-35 स्टॉक पर बात कर चुके हैं। बिल्कुल ये एक पहला चार्ट देखने को मिला है जहां पर देखकर चेहरे पे खुशी आती है। चार्टिकली शेयर काफी अच्छा लग रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसने एक बॉटम बनाया है, उसका हायर बॉटम बनाया है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एक ब्रेकआउट भी दे सकता है मौजूदा चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो आज के शो में पहला पॉजिटिव शेयर देखने को मिला है। इससे साफ जाहिर है कि इसमें निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की तो आजकल कोई बात ही नहीं करता बाजार में। चलिए, तो बिल्कुल पैसे लगाए जा सकते हैं, करंट भाव पे भी लगाए जा सकते हैं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, किसी भी टर्म के लिए, हर टर्म में जो है ये जो है आपके पोर्टफोलियो में इजाफा ही करता हुआ दिखाई देगा। हाँ, बाजार गिरावट का है तो हो सकता है कि कुछ एक दिन अगर आपको लाल निशान दिखाई दे तो आप तुरंत सवाल मत पूछिएगा कि आपने उस दिन बोला था और कल बोला था और आज जो है शेयर 1% नीचे हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। सर दो शेयरों पे फटाफट चर्चा कर लेते हैं फिर आईपीओ के सेगमेंट के लिए, सारे बहुत देर से वेट कर रहे हैं हमारे साथ। दो शेयर जिसमें कि एक तो पेटीएम है जिस पर कि काफ़ी सारी खबरें भी रहती हैं, काफ़ी एक्शन भी देखने को मिलता है, और अब चूंकि इनको एनसीपीआई से भी मंजूरी मिल गई है काफ़ी कुछ जो निगेटिव थे वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये शेयर ऐसा हो सकता है जो आने वाले कुछ एक क्वार्टर्स के अंदर फिर से जो है चमकता दमकता दिखाई दे? 770 के आसपास ये शेयर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अभी हाल फिलहाल में जो गिरावट रही उसमें उस तरीके से नहीं गिरा है, हर शेयर पे हमने देखा कि 1 महीने में 12%, 15%, 10% की गिरावट रही है जिस पे हमने बातचीत आज की। इस शेयर ने 1 महीने में 5-5.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, आप कैसे देख रहे हैं? 6 महीने में 124% का रिटर्न, क्या अभी भी पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है ये? विपुल जी, पिछले 6 महीने में शेयर ने लगातार ऊपर की चाल दिखाई है। छोटे मोटे करेक्शन आए हैं, लेकिन जितना घटता है उससे ज्यादा बढ़ता है। ये शेयर 400 रुपए के नीचे चला गया था और अब 750 के आसपास चल रहा है। इसने अपने जो मूविंग एवरेजेस है उसको पिछले 5 महीने में एक बार भी नीचे के तरफ नहीं तोड़ा है। ये दिखाता है कि शेयर में कुछ मजबूती है। और अगर आप मीडियम टर्म में इसमें निवेश करते हैं
एक स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं तो इसमें आपके इन्वेस्टमेंट में आपको मुनाफा मिल सकता है। ठीक सर, ये बात रही पेटीएम पे। दूसरा सवाल, दूसरा जो शेयर होगा वो होगा RVNL, जिस पर आज बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रश्न आए हुए थे, लेकिन बातचीत इस पर जो है हो नहीं पाई। तो मैंने सोचा बजिंग स्टॉक्स में ही इसको जरा अगर हम क्यों ना शामिल कर लें। आप कैसे देख रहे हैं सर RVNL का, और भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ ओवरऑल रेलवे पे व्यू आपका अब क्या है? क्या ये स्टोरी ख़त्म हो गई है, या फिर अब थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने, 6 महीने का? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अब जो है रेलवे पैक को लेकर के, सबसे पहले RVNL पे बात। सर RVNL में भी एक बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप उम्मीद रख सकते हो कि आने वाले 10-15 दिन में ये बॉटम फॉर्मेशन बनाकर कुछ ऊपर चलेगा। अगर RVNL एज ए शेयर की बात करें तो इसमें बहुत बड़ी तेजी और एक अपमूव देखने को मिला था। इसके अंदर में रिटेल पार्टिसिपेशन लिमिट से ज्यादा है और लोगों ने इस शेयर को रबर बैंड की तरह खींचा था। उसका ये करेक्ट देखने को मिला था। 650 के स्तर से ये करीब अब जाकर 450, 460 के आसपास चल रहा है। करेक्शन करीब करीब पूरा हुआ है, लेकिन एडवाइज ये दूंगा कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो और क्वांटिटी उतनी करो जितने की आप संभाल सकते हो। ओवरबोर्ड न जाएं, इसके अंदर में पूरा गांव आपके साथ ट्रेड करता है। बात तो सही कह रहे हैं सर आप। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 7-8 शेयर हमने चर्चा की है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में रहे होंगे, और सवाल भी सबसे ज़्यादा इस पर आते हैं, चाहे वो NTPC हो, सुजलॉन हो, पेटीएम हो, RVNL हो, इन सब पे थोड़ी और डिटेल के साथ विस्तार पूर्वक आज चर्चा हुई। इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को करते हैं यहाँ पर समाप्त।